हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ टीचिंग के बारे में जिसमें फॉर्मल थ्योरीज डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज एंड नॉर्मेटिव थ्योरीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड एडुकेटर्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग अकर एंड हाउ टू फेसिलिटेट अफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जब हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ टीचिंग की तो बेसिकली वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं या हमें प्रिंसिपल्स के बारे में बताती हैं जो किसी भी एडोकेटर को गाइड करते हैं हेल्प करते हैं समझने में किस तरह से लर्निंग होती है और अगर हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं पढ़ाना चाहते हैं तो कितने क्या तरीके हैं किस तरीके से दे सकते हैं तो उसका बेसिक फ्रेमवर्क ये थ्योरी हमें बताती है दीज थ्योरीज़ कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू थ्री मेन टाइप्स ये जो थ्योरीज़ हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं थ्री मेन टाइप में सबसे पहले है फॉर्मल थ्योरी उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एंड उसके बाद है नॉमेटिव थ्योरी तो इन टाइप से हम इनको डिवाइड करेंगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे सबसे पहले है फॉर्मल थ्योरीज फॉर्मल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन फिलोसफिकल एजम्शंस अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज लर्निंग एंड द रोल ऑफ द टीचर ये जो थ्योरीज होती है ना ये बेसिकली जो माना जाता है जो लोगों ने एजम्पन कर रखा है फिलॉसफी से बेस्ड होती है मतलब कि जैसे कोई चीज़ चली आ रही है या किसी ने माना हुआ है ठीक है सो दीज आर बेस्ड ऑन फिलोसफिकल एजम्पन की नेचर ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए लर्निंग कैसे होनी चाहिए रोल ऑफ टीचर क्या होता है एंड ये बेसिक जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं टीचिंग को समझने के लिए बट दे डो नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन हाउ टू टीच मतलब ये हमें हेल्प करेंगी समझने में टीचिंग के बारे में जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी बट ये हमें गाइडेंस नहीं देंगी दे डो नॉट प्रोवाइड गाइडेंस कि पढ़ाना कैसे है तो कुछ एग्जाम्पल्स फॉर्मल थ्योरीज के यहाँ पर है द मिमेंटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग विच सीज टीचिंग एज द ट्रांशन सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर सो ये जो मिमेंटिक थ्योरी है ये कहती है कि टीचिंग जो है बेसिकली इट्स ट्रांसमिशन क्या है ये जिसमें नॉलेज एक जने से वन पर्सन से सेकेंड पर्सन में ट्रांसफर होती है दिस इज अवर मोमेंटिक थ्योरी उसके बाद आती है द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग जो टीचिंग को देखती है एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर ठीक है कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग बेसिकली टीचिंग को कैसे देखती है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में ठीक है में इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेजर कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचि कहती है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ली और दी जाती है एक टीचर और लर्नर के बीच में द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग जो टीचिंग को देखती है एज अ प्रोसेस जो कि लर्नर के माइंड को शेप करेगा या उसके बिहेवियर को शेप करेगा उसके माइंड और बिहेवियर को चेंज करेगा द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग जो टीचिंग को देखती है एज अ कोलैबरेटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिसमें टीचर और लर्नर मिलके लर्न कर रहे हैं ठीक है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी मतलब टीचिंग एज अ कोलेबरेटिव प्रोसेस यानी मिलके करा जाने वाला प्रोसेस है जो कि टीचर और बच्चे के यानी लर्नर के बीच में होता है उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज जो होती है टीचिंग की ये बेस्ड होती है रिसर्च जो आज तक रिसर्च हुई है इट्स नॉट बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल थॉट्स रिसर्च पे बेस्ड है जो टीचिंग और लर्निंग में हुई है ये बताती है फैक्टर्स के बारे में या ऐसे कारण जिससे टीचिंग और लर्निंग पर असर पड़ता है ठीक है एंड दे मे ऑल्सो ऑफर सम गाइडेंस ऑन हाउ टू टीच मोर इफेक्टिवली ये हेल्प भी करती है गाइडेंस भी दे देती है देखो पहले जो आपकी थ्योरी थी वो ये गाइड नहीं कर रही थी यहाँ पे फॉर्मल थ्योरीज की कैसे पढ़ाना है ये थोड़ा बहुत आपको गाइड करती है कि कैसे हम लोग इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं कुछ एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज के क्या क्या हैं इंस्ट्रक्शनल थ्योरी जो फोकस करती है डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन पर इस थ्योरी में हम लोग वर्क करते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो किस तरह से डिजाइन करना है किस तरह से हम उसको डिलीवर कर सकते हैं लर्निंग थ्योरी जो फोकस करती है प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर कि हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस होता है किस किस तरह के प्रोसेस होते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बाद है टीचर अफेक्टिवनेस रिसर्च जो आइडेंटिफाई करती है कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीचर जो बताती है कि जो अच्छे टीचर होते हैं अच्छे एज इन अफेक्टिव जिनका पढ़ाया हुआ समझ में आए या जो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करें उनके क्या क्या करेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं तो ये रिसर्च पे बेस्ड थ्योरीज हैं इस पर इसको करने के लिए इन थ्योरीज को बनाने के लिए पहले रिसर्च हुई है टीचिंग और लर्निंग पे इट इज नॉट जस्ट सम फिलोसफिकल थाट्स ठीक है फिर आ जाते हैं नॉर्मेटिव थ्योरीज पे नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग आर बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसिफिकल एजम्पन एंड एम्पेरिकल रिसर्च यानी जो अभी आपने ऊपर दोनों पढ़े ना उन दोनों को ये मतलब मिक्स करके बनाई हुई है। ये हैं ये बेस्ड है दोनों के कॉम्बिनेशन पे जिसमें फिलोसफिकल एजम्पन्स भी आ गए एम्पेरिकल रिसर्च भी आ गई ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल और गाइडलाइंस बताती हैं टीचर्स को कि उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स जो नॉर्मेटिव थ्योरी के हैं वो हैं द कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग जो फोकस करती है कि बच्चों को हमें खुद हेल्प करनी चाहिए कि वो अपनी नॉलेज खुद बिल्ड करें ठीक है एक्टिव लर्निंग पर और कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज पर कंस्ट्रक्टिविज्म पे सो दिस कॉनेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इट फोकसेज ऑन इसका फोकस होता है कि लर्नर को हेल्प किया जाए उनकी नॉलेज बिल्ड करने में द थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर विच फोकसेज ऑन बिहेवियर दैट टीचर शुड एंगेज इन टू प्रमोट लर्निंग कि किस तरह का बिहेवियर टीचर को रखना चाहिए ताकि लर्निंग प्रमोट की जा सके ठीक है ये है थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर फिर है द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग जो ये साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग है ये फोकस करती है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर इंडिविजुअल नीड एंड लर्निंग स्टाइल कि किसी लर्नर का कोई भी चीज लर्न करने का समझने का क्या तरीका है क्या स्टाइल है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग इस बात पर फोकस करती है द जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग को मतलब ये बताती है कि जो अभी हमारा करंट टीचिंग मेथड है उसको कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं हर टाइप की थ्योरी जो है टीचिंग की उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है अपनी वीकनेसेस होती है फॉर्मल थ्योरी एक परस्पेक्टिव बताती है टीचिंग पे ठीक है लेकिन एक्चुअली में उसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिस में लेना उसको मुश्किल हो जाता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बेस्ड होती है रिसर्च पर बट हर जगह पर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते नॉर्मेटिव थ्योरी आपको गाइडेंस देती है कि कैसे पढ़ा सकते हो बट कई बार ये आइडियलिस्टिक हो सकती है या फिर किसी एक के नजर से देखने वाली बात हो गई ठीक है पर्सपेक्टिव मतलब किसी एक के नजरिए से उसको देखा गया द बेस्ट वे टू यूज थ्योरीज ऑफ टीचिंग कॉन्टेक्ट जो सबसे बेस्ट तरीका है थ्योरीज ऑफ टीचिंग को यूज करने का कि आप उसे कंबाइन करो इस तरह से कि जो भी आपका आप जो पढ़ा रहे हो आपके हिसाब से सबसे सुटेबल बैठे जैसे कि टीचर फॉर्मल थ्योरी को यूज कर सकते हैं एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कि हमें कैसे पढ़ाना है उसके बाद वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को यूज कर सकते हैं ताकि उनको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए कि हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं कौन सी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होगी एंड फाइनली वो नॉर्मेटिव थ्योरी यूज कर सकते हैं कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना उस स्ट्रैटेजी को सो यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज टीचर कैन डेवलप अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव अप्रोच टू टीचिंग तो जब हम लोग बात करते हैं जब हम बहुत सारी थ्योरीज को कंबाइन करते हैं तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव अप्रोच बनाती है टीचिंग की सो so, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरीज और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी की सारी वीडियोज जो लर्निंग एंड टीचिंग की है बी एड की ईयर वन की वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी बी एड ईयर वन आ, करके सेक्शन है वहां पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी सारी प्लेलिस्ट में अरेज है सब्जेक्ट वाइज सेम वे में बी एड सेकेंड ईयर की भी अरेज है आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा और आपको ईजिली मिल जाएगा कोई डाउट है कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे अल सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो